हेलो स्टूडेंट, इस अभी जस्ट इसके पहले मैं कॉपर का केटायन में कॉपर रेडिकल का बता चुका हूँ, और अब आर्सेनिक ग्रुप टू में आर्सेनिक केटायन में है क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट, थ्योरी मतलब लिखने का जो प्रोसेस भी मैं बता रहा हूँ वैसे कॉपी में लिखना भी है। जैसे आप एनायन भी लिखे हो, केटायन में भी सबसे पहले सॉल्ट मिलेगा। फिजिकल अपेयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के बाद मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले इसको सॉल्युबल कर लेंगे। अब देखिए, ये जो सॉल्ट अभी मेरे पास है जो आर्सेनिक का, वो वाटर में ना सॉल्युबल है ना डाइल्यूशन में। तो तीसरा मैं पॉइंट बताया था कॉन्क एक्चुअल में ये सॉल्युबल है, ये इसमें मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले आइए देखिए, जब सॉल्युबल हो जाएगा तो कि ऑलरेडी ये कॉन्क एक्चुअल में सॉल्युबल हुआ है, इसीलिए इसमें से फिर से एक्चुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा गया है कि द सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्क एक्चुअल में सॉल्युबल हुआ है, इसलिए फिर से इसमें ऐड करने का जरूरत नहीं है एक्चुअल। और डायरेक्ट लिख देंगे नो पीपीटी ग्रुप वन एक्सिड। अब आते हैं थर्ड में, इसी सॉल्यूशन में जैसे कि कॉपर में पास किया गया था, यानी Na2S सॉल्यूशन H2S के सब्सिट्यूट के रूप में यूज किया गया था, और यहाँ पर Na2S सॉल्यूशन फिर से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ब्लैक की जगह पे येलो पीपीटी आएगा। और येलो पीपीटी देखिए यहाँ पे आने का मतलब, यानी पास H2S उसी जिसमें कॉन्क एक्चुअल में डिसॉल्व हुआ था, उसी सॉल्यूशन में Na2S सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ये येलो पीपीटी आएगा, और ये ग्रुप टू यानी आर्सेनिक पढ़े। अब इस येलो पीपीटी को डिजॉल्व किया जाएगा, पिछले बार 50% H2O3 में डिजॉल्व किया गया था, इस बार कॉन्क H2O3 में डिजॉल्व होगा। ये जो पीपीटी है वो कॉन्क H2O3 में डिजॉल्व होगा, और फिर वही प्रोसेस फर्दर अपनाएंगे, यानी H2S को बॉयल करके रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जब ये सॉल्युबल सॉल्यूशन होगा तो आफ्टर रिमूव द H2S देन एड अमोनियम मोलिब्डेट सॉलिड अमोनियम मोलिब्डेट यूज करेंगे। और जब सॉलिड अमोनियम मोलिब्डेट यूज करेंगे उसी सॉल्यूशन में, तो फिर से येलो पीपीटी रीअपीयर हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाता, और ये इस तरह से आर्सेनिक कंफर्म। तो मैं इसे प्रैक्टिकली अब करने जा रहा हूं। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले आर्सेनिक का देखिए, आर्सेनिक का सॉल्ट, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है ऐसे, तो ये जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, हो सकता है कुछ और सॉल्ट हो जो सॉल्युबल हो, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं था, यही आया। तो इतना सॉल्ट अभी हम वॉच ग्लास में देखिए, इसका कलर व्हाइट, ये अमॉर्फस सॉलिड है, और ऑर्डर नहीं। अगर कभी प्रैक्टिकल का चांस मिलेगा, कभी आएंगे प्रैक्टिकल लैब खुलेगा स्कूल, तो इसको देखेंगे, इसमें इसका फिजिकल अपीयरेंस देख के ऐसे मैं जो बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसे स्पेचुला के थ्रू देखिए, मैं इसका सॉल्टिटी पहले चेक करके दिखाता हूं। देखिए ये सॉल्ट दिया वाटर में, देखिए फ्लोट कर रहा है, देखिए सॉल्ट ऊपर चला गया, यानी ये फ्लोट कर रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा। चलिए अब इसे आते हैं डाइल्यूट एचसीएल में भी चेक करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, और डाइल्यूट एचसीएल ऐड किया, देखिए सॉल्ट ऊपर चला गया, देखिए ये फ्लोट यानी नीचे ही है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं हुआ, नीचे ये सेटल हो जा रहा है। अब आता हूं इस सॉल्ट को कॉन्क एचसीएल में ये डिजॉल्व होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल में ये सॉल्युबल हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल में ये सॉल्युबल हो रहा, देखिए पूरे में देखिए सॉल्युबल हो गया इस तरह से, ये यहां लिखेंगे सॉल्युबल इन कॉन्क एचसीएल। अब इतना अमाउंट में नहीं, और थोड़ा सा कम अमाउंट में लेकर के, और इसमें जैसे कॉपर में किया गया था, ये भी ग्रुप टू का है, तो ये एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में
फिर से सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन को बनाएंगे। और ये Na2S सॉल्यूशन को डिजॉल्व करेंगे वाटर में जो कॉपर में ऐड किया गया था पहले। और फिर देखिए ये सॉल्यूशन जो है हमारा ये आर्सेनिक का सॉल्यूशन जो कॉन्क HCl में डिजॉल्व हुआ, और इसमें हम ऐड कर देंगे Na2S सॉल्यूशन। देखिए येलो PPT। अब इसको थोड़ा देर के लिए फिर इसको छोड़ देंगे, ये फिर से सेटल हो जाएगा। और फिर इसमें कॉन्क HNO3 में, मैं पहले ही बता चुका हूं ये कॉन्क HNO3 में सॉल्युबल है। थोड़ा सा इसे गिरा ली ऊपर से, डिकेंट कर ले, सेटल हो गया थोड़ा थोड़ा। अब इसको देखिए ये सॉल्यूशन जो पीपीटी मेरा बचा हुआ है इसमें अब कॉन्क HNO3, देखिए कॉन्क HNO3 इसमें मिलाएंगे और ये सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल हो गया, अब इसको फिर से बॉयल ऑफ, क्योंकि मैं जब भी H2S पास करेंगे आगे बढ़ने से पहले इसको जैसे कॉपर में किया गया था इसको डिजॉल्व करके और हीट करके बॉयल करके इसको H2S को रिमूव कर लेंगे। इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने से H2S रिमूव हो जाएगा। देखिए बॉयल हो गया और जो थोड़ा सा था इधर उधर प्रेसिपिटेट दिख रहा था हल्का वो भी डिजॉल्व हो गया, पूरा कंप्लीटली ये डिजॉल्व हो गया। और इसमें अब अमोनियम मॉलिब्डेट सॉलिड ये जो सॉल्ट है वो स्पैचुला के थ्रू इसमें ऐड करेंगे। ये फिर से ये देखिए सॉल्यूशन है, ये फिर से येलो PPT अपीयर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इफर्वेसेंस हो रहा है बट ये येलो PPT में फिर येलो PPT ये आ गया ऊपर सॉल्ट जो लगा हुआ था वाल में येलो PPT। तो इस तरह से आर्सेनिक भी कंफर्म। तो इस तरह से आज दो रेडिकल मैं आपको बता दिया, आगे का वीडियो में जो और बचे हुए हैं केटायंस, लेकिन आप इसे कॉपी में लिखना शुरू कर दें। कुछ तो एनायन है, एनायन से स्टार्ट करें कार्बोनेट से, और पूरा एनायन को टेबलर फॉर्म में लिखना है। फिजिकल अपीयरेंस पहले लिखना है, उसके बाद फर्दर जो बताया गया था वो। तो सबसे पहले कॉपी में 12 कॉपी में एनायन और फिर केटायन, और इस तरह से आगे का वीडियो में मैं आगे बताता रहूंगा जो भी प्रैक्टिकल है सिलेबस में। धन्यवाद।